हम ये समझते हैं कि नवाज शरीफ और जरदारी खानदान की लूटी हुई दौलत अगर पाकिस्तान के अंदर आए तो पाकिस्तान इस माशी बुरहान से जल्द निकल सकता है। लोगों को कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर आकर इन्वेस्टमेंट करे और अपनी औलादों को कहते हैं कि बाहर के मुल्क में इन्वेस्टमेंट करे, ये दोहरा मियार नहीं चलेगा। इसके साथ साथ सनतें पाकिस्तान के अंदर बंद होती जा रही हैं, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा हो गई है कि गरीब आदमी दो वक्त की रोटी से भी आजीज आ चुका है। लोगों के पास अपने बच्चों की स्कूल की फीस देने के लिए पैसे नहीं रहे, घर का बिल अदा करने के लिए नहीं रहे, घर में राशन डालने के लिए नहीं रहे, दवाई के लिए पैसे नहीं रहे। उसकी वजह यह है कि तनख्वाह उधर की उधर है, अगर कोई रोजगार पर है तो महंगाई अपने अरूज पर है। तो ये कब खत्म होगी? जब मुल्क के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी, मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम आएगा, सियासी इस्तेकाम आएगा तो माशी इस्तेकाम आएगा, माशी इस्तेकाम आएगा तो दुनिया के इदारों का पाकिस्तान के ऊपर जो एक ट्रस्ट होता है, एतमाद होता है, वो बहाल होएगा। अभी कोई इदारा पाकिस्तान के अंदर आकर ना इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है, ना कोई सरमायाकारी करने को तैयार है, ना कोई कर्ज देने को तैयार है। तो हम ये समझते हैं कि इमरान खान की क्यादत के बगैर, इमरान खान के बगैर, इमरान खान के वजूद के बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अगर एक सच्चा और सुच्चा लीडर है इस पाकिस्तान के अंदर, जिसको सादो को रमीन अदालतें भी कहती हैं, और पूरी दुनिया अगर वो पाकिस्तान के लिए कोई टैली मैराथन करता है तो पूरी दुनिया उसके साथ इकट्ठी हो जाती है, खड़ी हो जाती है और पाकिस्तान के लिए हेल्प करती है। ये चोर और डाकू अगर अगर बैठ जाए टेलीथॉन के ऊपर तो इन्हें कोई 10 रुपए नहीं देता। उसकी वजह यह है कि वो इतबार नहीं करते कि ये पैसा चोरी करके, ये पहले भी कर्ज उतारो मुल्क उतारो सवारों का पैसा लेकर बाहर भागे थे, अभी इन्होंने यही किया है, इकोनॉमी का सत्यानाश किया। हमें बताया जाए, हम सवाल करते हैं, हमारा हक है कि हमें बताया जाए कि 7 माह पहले कौन सी सूरत हाल थी कि जिसकी वजह से आपने पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत को टॉपल किया था, और आज कौन सी दूध की नहरें यहां पर बह रही हैं, हमें बताएं तो सही ना। आज पाकिस्तान बदतरीन माशी हालात से गुजर रहा है तो उसका कौन जिम्मेदार है? हमें बताया जाए, पूरी कौम को बताया जाए। और जिन्होंने बरूनी कुवत के कहने पर पाकिस्तान के अंदर इलेक्टेड वजीर आजम का तख्ता उल्टा है, आज वो भी पछता रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो माशी सूरत हाल है उनसे संभाली नहीं जा रही। हर कोई अपने अपने केसेस खत्म करवाने के चक्कर में लगा हुआ है, हर कोई ये चाह रहा है कि उसकी जेब भर जाए, उसकी औलादों की जेब भर जाए, उनके केसेस खत्म हो जाए। ये इमरान खान पाकिस्तान की जरूरत है, पाकिस्तान इमरान खान की जरूरत है। और याद रखें, इमरान खान हमारी लड़ाई लड़ा है, हमारे बच्चों की लड़ाई लड़ा है, पाकिस्तान की लड़ाई लड़ा है, हम उसके साथ खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं। और मैं ये कहता हूं कि वक्त की जरूरत है, इमरान खान दोबारा फिर जरूरी है, पाकिस्तान के लिए जरूरी है। और इमरान खान पाकिस्तान के हर मजलूम की आवाज बन चुका है, करिया करिया, गली गली, नगर नगर, देहात, हर जगह पर इमरान खान का मैसेज है। टांगे कांप रही हैं वफाकी हुकूमत की इलेक्शन करवाने से, इलेक्शन करवाएं, जो एनआर और लेना ले चुके आप, वो हम फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। अभी पूरी कौम चाहती है कि इलेक्शन हो। ये रैली महंगाई के खिलाफ और इमरान खान के ऊपर जो कातलाना हमला वफाकी हुकूमत में बैठे लोगों ने करवाया है, ये उसके खिलाफ एक एहतजाज है। और ये एहतजाज यहां नहीं रुकेगा, ये एहतजाज पूरे पाकिस्तान के अंदर होगा। हर अदारे को पता है इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ की पॉपुलैरिटी का ग्राफ क्या है, तमाम डर रहे हैं।
और तमाम ये सोच रहे हैं, वो जो बैरूनी ताकतें हैं जो आलाकार बनी है कि अगर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान आया पाकिस्तान तो फिर जो शरा नमू ग्रोथ रेट है, जीडीपी रेट है, वो 6% से ज़्यादा लेकर जाएगा तो पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। ये मांगने वाला नहीं रहेगा, ये कुछ को लेकर नहीं फिरेगा। लिहाजा इन्हें ये फिक्र है। हम ये समझते हैं कि ये एहतजाज जो हम करने जा रहे हैं हो रहा है, ये सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं होगा, ये पूरे पाकिस्तान में होने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। बड़ा मुझे सवाल लेने दें। वो आपको हो सकता है, हमें कोई नहीं है, हम सारे एक पेज पे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो खान साहब को असम्बलियाँ डिसॉल्व करने के हवाले से आपकी इतला के लिए अर्ज है कि वो अपनी कंसेंट दे चुके हैं, मेरी कल भी मुलाकात हुई है। हमारे जहन के अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं है, आपके जहन में हो सकती है, हमारे जहन में कोई किसी किस्म की एम्बिग्विटी नहीं है। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमने किस दिन असम्बलियाँ डिसॉल्व करनी है, ताकि हम चाह रहे हैं, हमारी ख्वाहिश है कि रमज़ान से पहले पहले इलेक्शन का इनेकाद पूरे मुल्क के अंदर किया जाए। जहाँ तक सहाफ़ियों को कवरेज की है तो मैं इंशाल्लाह एक दो गाड़ियाँ जो हैं मेरे दोस्तों की, मैं रिक्वेस्ट कर दूंगा आप उसके ऊपर शिफ्ट हो जाइए डबल कैबिन के ऊपर, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से जगह मिले। सब नहीं बरी हो जाना जी, रह जाना नाम अल्लाह का, सब भी बरी हो रहे हैं। मैं तो आगे बात की है, हर किसी की मौजें लगी हुई हैं इस मुल्क के अंदर। जो केस सालों में डिसाइड नहीं हो रहे थे वो शायद घंटों के अंदर मिनटों के अंदर हो रहे हैं। पता नहीं कौन फोन उठा रहा है और कौन फोन कर रहा है, और हर चीज़ होती जा रही है। ये तो वक्त ने अब साबित करना है कि कौन सी चीज कहाँ पर जाके रुकनी है। ये अवाम की ताकत से ही रुकना है, और अवाम आप देख लें, ये एक हल्के की अवाम है, ये एक हल्के की अवाम है, और लाहौर की पूरे पाकिस्तान की अवाम इसी तरह बेचैन है कि खान कॉल दे और हम सड़कों पर आए और अर्ली इलेक्शन के लिए, जल्द अज जल्द इलेक्शन के लिए बाहर निकलें और अवानों के अंदर उनको बैठाएं जो इस कौम की सही नुमाइंदगी करते हैं। दो सवाल हो गए, एक तो आपने गवर्नमेंट के हवाले से बात की है, ऐसी कोई किसी किस्म की बात नहीं, सब झूठ का पलंदा है, ना सीएमशिप के बारे में, ना केपी के असम्बली पहले या बाद में तोड़ने के हवाले से, ये सारी मफरूजों पर मबनी बातें हैं जो हो रही हैं। कोई इस किस्म की, चौधरी परवेज लाई साहब ने कोई इस किस्म की बात नहीं की, बड़े वजेदार लोग हैं, कभी ऐसी नहीं की। दूसरी बात, हमारे तो सारे इनके खिलाफ केसेस मच्योर हो गए थे, फर्दे जुर्म आयद होने वाली थी, बरूनी ताकतों ने उन बरूनी ताकतों के साथ मिलकर सारे केस ही खत्म करवा दिए, फर्दे जुर्म ही आयद नहीं होने दी। तो आप मुझे बताएं आपने क्या करना है। आप इस मुल्क का निज़ाम देख लें, हमने तो 4 साल मेहनत की ना, 3.5 साल मेहनत की, उनके केसे वाइट कॉलर क्राइम को ढूंढना मुश्किल काम है, बट ढूंढे गए, बनाए गए, हुआ गया, जो भी नैब का एक प्रोसेस था, प्रोसीजर था, बट एंड ऑफ द डे क्या हुआ कि जब उनके फर्दे जुर्म आई तो नहीं है, उस दिन वो वजीर आजम का हलफ उठा रहा है। इस कौम की बदकिस्मती है। आइन और कानून के मुताबिक इन चीज़ों को देखा जाएगा, जो केसेस फाइनल हो चुके थे उनको उसी तरह ही देखा जाएगा कि किस तरह से कानून के दायरे में रहते हुए सारा काम किया जाएगा, कानून के दायरे से हटके नहीं किया जाएगा। देखें, दो सवाल हैं आपके। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में आपने बात की है, वो उस वक्त होती है कि जब हकीकी हुक्मरान असम्बलियों के अंदर जायज तरीके से बैठे हों, मेला मवेशियां मंडियां लगाकर जमीर फरोशी करके वोट खरीद कर असम्बलियों में बैठकर लोगों के ऊपर हुकूमत नहीं की जा सकती, मुल्क नहीं चलाया जा सकता, मनी लॉन्ड्रिंग करके असम्बलियों में बैठ के अपनी औलादों को बाहर पैसा देके इन्वेस्टमेंट करवा के आप ये कहें कि मेरे मुल्क के अंदर आके लोग जो हैं वो माशी इस्तकाम पैदा करें, इन्वेस्टमेंट करें, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। इस वजह से इंस्टेबिलिटी है, लोग इन पे एतबार नहीं करते, तमाम इन्वेस्टर बाहर चले गए। इनके पहले दौर के अंदर 2008 से 2018 तक 20 फैक्ट्रियां लगी थी फैसलाबाद के अंदर, आज 300 फैक्ट्रियां लगी हैं 3.5 साल के अंदर। ये इमरान खान की पॉलिसी के ऊपर एतमाद था और है और इंशाल्लाह ताला रहेगा। देखिए, हमने जो रिफॉर्म्स करनी थी कर दी, अब ये है कि अदारे जो मुतलका अदारे हैं जिन्होंने अदलिया को असिस्ट करना होता है, अगर वही बैठ जाएं
उनके ऊपर हुक्मरान अपने मनपसंद बंदे लगा दें जिन्होंने इंक्वायरियां सबमिट करनी है, तो फिर क्या बनेगा उस मुल्क का? अदालत तो चलती है एविडेंस के ऊपर, अगर एविडेंस ही रातों रात खत्म कर दिया जाए, बदल दिया जाए, तो फिर कहां पर अदालत क्या करे? अदालत का तो कसूर नहीं रह जाता। पहली बात यह है कि जो आपने बात की है बाहर जाने के हवाले से, उनका नाम इमरान खान है, नवाज शरीफ नहीं है, जरदारी नहीं है कि वह मुल्क छोड़ के भाग जाए। ये तो अंग्रेज की बाकियात हैं, ये नवाज शरीफ, जरदारी, इनके खानदान बाकियात हैं। जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड में बैठकर पाकिस्तान इंडो पाक के ऊपर हुकूमत की थी, इस तरह यही अब भी कर रहे हैं। उनका नाम इमरान खान है भाई, ये जरा थोड़ी तसीह कर ली जाए अपने कागजों के अंदर। बाकी रही दूसरी बात, ब्लो दी बेल्ट जो चीज़ें खेल रहे हैं या कर रहे हैं, जातियात पर आते हैं, हम इस पर बात इसलिए नहीं करना चाह रहे कि नून लीग ने हमेशा, ये वही जगह है जहाँ पर हम इलेक्शन लड़ा करते थे और लड़ते हैं शुरू से 30-35 साल से। इन्हीं फजाओं के अंदर बेनज़ीर की गंदी तस्वीरें, उनकी माँ की गंदी तस्वीरें, ये बलावल को मैं बताना चाह रहा हूँ, जिसको थोड़ी सी हया और शर्म आ जाए जिनके साथ बैठा हुआ है। हम यहाँ पर इन्हीं फजाओं के अंदर जहाज के जरिए वो तस्वीरें गिराते हुए देखा हुआ है, मैंने खुद देखा हुआ है। तो इन लोगों पे क्या बात करें जो जातियात पर आ जाते हैं? अगर हम इनकी जातियात पर बात करें, हम माओ बहनों बेटियों वाले हैं, हमें शर्म आती है, हम नहीं कर सकते, हम वजादार लोग हैं। तो लिहाजा यही है कि इनका जो माजी है वो भी बड़ा दागदार है, इनका जो हाल है वो भी बड़ा दागदार है, और इनका जो आने वाला फ्यूचर है वो भी बड़ा दागदार है। शुक्रिया जी। अब मैं अपने